तो अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और मैं शावर वगैरह लेके हो चुकी हूँ फ्री, और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ घर में से बासी झाड़ू। तो जो झाड़ू निकाल रही हूँ वो मैं यहाँ किचन, भगवान का रूम, हॉल में से ही निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी वेकेशन चल रहे तो बच्चे भी लेट तक सोते और अभी सब सो रहे, तो यहाँ से मैंने झाड़ू निकाल दिया। और ये जो भी सुबह का रूटीन होता है, झाड़ू निकालना, दियाबत्ती करना, भगवान के मंदिर में पूजा करना, ये मम्मी का होता है, तो मम्मी अभी गए हुए तो ये सब वर्क मैं अभी कर रही हूँ। तो झाड़ू मैंने निकाल दिया और अब यहाँ पर मैंने बनने रख दी है चाय और दूध, क्योंकि किसू के पापा भी हो रहे हैं रेडी शॉप पर जाने के लिए, तो उनके लिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी और साथ में ही मैंने दूध भी बना दिया। जो सबके लिए दूध बनाते हैं वो भी मैं चाय बनती है तब साथ में बना के रख देती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा सुबह का मॉर्निंग का रूटीन होता है। और पापा जी गए हुए हैं वॉक पे, तो वो जब आएंगे तो उनके लिए तब मैं बनाऊंगी ब्लैक टी, मेरे लिए चाय मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मैं आराम से पूजा वगैरह करके उसके बाद भी मैं चाय पीऊंगी। साथ में मैं मंदिर में भी पूजा भी मैंने कर ली है, स्नान करा लिया है भगवान को, बस मुझे दियाबत्ती करना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने दियाबत्ती भी कर दी है और मंदिर में मेरी अच्छे से पूजा भी हो गई, और पापा फूल लेकर आए वो मैंने फूल भी चढ़ा दिए, और साथ में अभी यहाँ पे मैंने मेरे लिए चाय भी बनने रख दी। तो चाय मेरी बन रही है, तब तक जो हमने रात को बर्तन क्लीन करके रखे थे उनको मैं उनकी जगह पे रख दूंगी। हेलो एवरीवन, जय गुरु देवरीसा। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लिप में आपने देखा कि मैंने मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है और मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। मैंने सोचा कि आज प्रॉपर तरीके से पूरा जो भी डेली वर्क होता है उसको शूट करके पूरा डेली रूटीन शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शूट तो नहीं कर पाई, लेकिन फटाफट से मैं बता देती हूँ कि इतने टाइम तक मैंने क्या किया। मैंने चाय बनाई, उसके बाद में जो सुबह की चाय होती है मॉर्निंग की चाय, वो मुझे आराम से बैठकर पीना पसंद है। तो मैं 10 मिनट तक चाय पीती हूँ आराम से, और साथ में मोबाइल भी देखती रहती हूँ, व्हाट्सअप वगैरह। तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैं चाय भी पी रही थी और साथ में मोबाइल पे भी सारी अपडेट देख रही थी कि क्या क्या हुआ है, क्या कुछ है, किसने क्या डाला, स्टेटस वगैरह चेक कर रही थी। तो इसकी वजह से उस टाइम मैंने शूट नहीं किया। फिर थोड़े बहुत जो चाय के बर्तन निकले वो मैंने क्लीन किए, और फिर मैं आ गई ऊपर। ऊपर आकर मैंने गेहूँ साफ किए और चक्की चालू कर दी। गेहूँ साफ करने के बाद में जो गेहूँ थे वो मैंने डाल दिए चक्की में पीसने के लिए। फिर मुझे ब्लॉग अपलोड करना रहता है, तो मैंने ब्लॉग को अपलोड किया। अपलोड पर ब्लॉग को लगा कर मैं चली गई ऊपर टेरिस पे। टेरिस पे मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में धोने के लिए, और कपड़े डालकर जैसे ही मैं नीचे आई तो यहाँ पे हमारे किसू भाई सा जो सो रहे थे वो उठकर चले गए नीचे, क्योंकि कल मैंने बोला था कि किसू हमारी 10 बजे तक सो रही है, अभी तक नहीं उठी। तो आज वो फटाफट उठ गई और वो नीचे चली गई, अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है। तो बस अब मैं फटाफट जाऊँगी और पहले रूम क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं लंच की तैयारियाँ करनी है। तो जैसे आटा लगाना, सब्जी काटना, जो भी होगा मैं वो करूँगी। तो शूट तो पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं बता देती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा ब्लॉग को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा ज़रूर देख लेना। तो चलिए चलते हैं फटाफट से रूम क्लीन करके किचन में। यहाँ पे चक्की तो अपना वर्क अच्छे से कर रही है, लेकिन ये आटा ही बहुत बिखेर देती है। ये देखिए इतना सारा आटा बाहर बिखर जाता है, इसलिए ये जो गेहूँ का खाली कट्टा होता है ना वही मैंने इसके नीचे बिछा देती हूँ। इससे क्या होता है, जो बाहर आटा गिरता है ना उस पर गिरता है, फिर इसको मैं खाली कर देती हूँ। बाकी अच्छे से अपना वर्क कर रही है। तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और किचन में आते ही मैंने चपाती बनाने के लिए आटा लगा दिया और आटे को मैंने रख दिया है साइड में। और अब मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ गंवारफली, क्योंकि हम लोग बनाएंगे गंवारफली की सब्जी। तो मैं तो इसे गंवारफली तोड़ना ही बोलूँगी, क्योंकि हम लोग हाथ से तोड़कर जो सब्जी बनाते हैं, अगर मैं चक्कू से काटती तो मैं बोलती कि मैं काट रही हूँ गंवारफली। और मासी बना रही है चाय, जो हम लोग सेकेंड बार पीते हैं वो। तो चाय हमारी बन रही है, इधर मैं तोड़ रही हूँ गंवारफली। और हाउस हेल्पर भी आ गए, तो वो कर रहे हैं झाड़ू पोछा। तो बच्चे भी सारे उठ चुके हैं, सबने दूध वगैरह पी लिया, नाश्ता भी हो गया सबका। नाश्ते में हमने बनाया था दलिया, तो सबने नाश्ता कर लिया, इसलिए अब हम लोग करने लगे डायरेक्ट लंच की तैयारी। उसके बाद में जो भी मेरा वर्क होता है, जैसे बर्तन क्लीन करना, कपड़े सुखाने जाना, वो मैं चाय पीने के बाद में करूँगी। तो हम लोग बना रहे हैं गंवारफली की सब्जी। सब्जी तो हम हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन नोटिस किया होगा, ये देखिए स्टील की कढ़ाई जो हम लोग न्यू लेके आए थे वो वाली है। तो फर्स्ट सब्जी हमारी इसमें बनेगी गंवारफली। वैसे हमने इसमें थोड़ा सा हलवे का प्रसाद बनाया था मीठे का, भगवान को भोग लगा के, लेकिन सब्जी जो है वो बन रही हमारी इसमें मीठी गंवारफली की। ये देखिए पूजा वगैरह भी हमने कर ली, गंवारफली भी बहुत शुभ मानी जाती है। तो फर्स्ट सब्जी हमारी यही बनेगी इसमें।
ग्वारफली की सब्जी हमने बनने रख दी हमारी स्टील की न्यू कढ़ाई में, तो सब्जी बन रही है और वैसे लंच भी ऑलमोस्ट बन चुका है। कढ़ी चावल बन गए, आटा लगा दिया और दूसरी सब्जी जो हम बनाते हैं हमारे मॉर्निंग में डेली दो सब्जी हम बनाते हैं, दूसरी हमने बनाई है स्प्रिंग ऑनियन की, वो मासी ने काटे थे और सब्जी बना दी। तो ग्वारफली की सब्जी बन रही है, अभी चपाती बनाना बाकी है लेकिन जब सब खाएंगे तब भी बनाऊंगी क्योंकि अभी तो बच्चे भी घर पे ही रहते हैं तो हम वैसे भी गर्म गर्म ही बनाते जब खाते वैसे ही, तो बस उन लोगों के बाद में बनानी है। तब तक मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लहसुन छील लेते हैं क्योंकि शाम के लिए बिल्कुल भी लहसुन बचा नहीं है छिला हुआ, तो अभी सुबह में सब्जी बनाई कड़ी उसमें सारा डाल दिया था इसलिए। और मैंने बताया था कि ग्वारफली की सब्जी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, मतलब शुभ मानी जाती है, ये हमारे मम्मी कहते हैं कि हमारे इधर मतलब हमारे ससुराल साइड में जब नई दुल्हन आती है ना नई बीननी तो उसको फर्स्ट बार में ग्वारफली की सब्जी खिलाई जाती है। तो फिर मैंने और मासी ने सोचा चलो आज अपने न्यू स्टील की कढ़ाई में ग्वारफली की सब्जी से ही शुरुआत करते हैं सब्जी बनाने की। वैसे प्रसाद तो हमने बनाया ही था तो इसलिए हमने आज सब्जी बनाई, और मुझे मेरा पता ही नहीं है कि मैंने कौन सी सब्जी खाई थी, मम्मी को पूछना पड़ेगा मम्मी मैंने भी ग्वारफली की सब्जी खाई थी क्या, इस बार ज़रूर पूछूंगी। मुझे अभी याद आया कि मुझे तो याद ही नहीं है मैंने कौन सी सब्जी खाई थी। चलो कोई बात नहीं, पहले लहसुन छील लेते हैं। और मैं खा पी कर हो चुकी हूँ रेडी, और मैं ना धोकर भी हो चुकी हूँ पूरी रेडी क्योंकि मुझे है 2 बजने का इंतज़ार। क्यों है मुझे 2 बजने का इंतज़ार? क्योंकि आज है फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, वो मैच देखने के लिए मुझे है 2 बजने का इंतज़ार। दो कब बजेंगे? अभी क्या कर मुझे बहुत इंतजार है। अभी तो रंजा खत्म हो गया, मेरा और मम्मी का काम खत्म होगा, रंजा भी खत्म हो जाएगा और अपनी इंडिया जीतते सब खाएंगे डेयरी मिल्क और खोलेंगे पटाखे। हाँ इसलिए बच्चा के रखे है दिवाली। अभी हो रहा है इवनिंग टाइम और आज तो यहाँ पे है ना सूर्यास्त भी बहुत ही जल्दी हो गया, मतलब अभी 5:45 बजे है फिर भी सूर्य भगवान अस्त हो गए। यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है इसलिए शायद, क्योंकि पूरे बादल बादल हो रखे हैं और ऐसे गर्मी लग रही है, उमस जैसी हो रही है मुझे। तो मैं तो अंदर थी तो मैं तो यहाँ बाहर बालकनी में आई क्योंकि हमने आज डिनर में सोचा कि दाल ढोकली बनाएंगे तो ये ढोकली मुझे बनानी, मैं आटा लेकर बाहर बालकनी में आ गई। और अंदर चल रहा है मैच फाइनल का, बहुत ही खास मैच है आज का तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो इंडिया अभी खेल रही है, शायद तक लास्ट ओवर है, बच्चे तो 1 बजे के बैठे हैं टीवी के आगे, अभी तक तो वहाँ से हिले नहीं, खाना खाया और बस जम गए। अब थोड़ा मुझे लगता है इंडिया की लास्ट ओवर है तो इंडिया खेल के रहेगी फिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, तब तक वो बीच में गैप आता तब उठेंगे लगता तो ऐसे ही है, तो इसलिए वो बहुत चिल्ला भी रहे थे तो मैं बाहर आकर ढोकली बनाने लग गई। और फिर खेलेगी ऑस्ट्रेलिया तो देखते हैं क्या होता है, वो होता तो है ही ना कि कौन जीतेगा, जीतनी तो इंडिया ही चाहिए। तो ढोकली बना लेते हैं और फिर मैच देखने के लिए जम जाती हूँ मैं भी टीवी के आगे। तो 4-5 घंटे टीवी के आगे बैठकर भाई साहब उठ चुके हैं क्योंकि इंडिया ने बैटिंग कर ली, अब बारी है ऑस्ट्रेलिया की। तब तक जो बीच का गैप मिला था उसमें भाई साहब आए मुझसे मिलने के लिए, मैं ऊपर जा रही थी तब और मुझे कहती है मम्मी क्या कि है ना इंडिया ने क्या 240 रन किए, तो इसका मुंह इतना सा हो गया, इसको ऐसे लग रहा पता नहीं ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है। किसु तुझे एक बात ध्यान रखना, मौसम पलटते हैं ना टाइम नहीं लगता, आज मौसम सुबह से अच्छा था और अभी खतरनाक वाली गर्मी लग रही है और बादल हो गए, सही है ना? हाँ। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, सही है ना? इसलिए आराम से ऑस्ट्रेलिया खेला ना, विकेट गिरे ना तब मजे करना, ठीक है? चल मैं ऊपर जाकर आती हूँ, कपड़े लेके आ जाओ, अभी चालू होने वाला मैच, फटाफट जा जल्दी। और मैं चलती हूँ टेरिस पे। तो लाइट मैंने पीछे चालू कर दी और ये लाइट हम लोग रखने वाले हैं देव दिवाली तक, तो ये रोज़ चालू करनी पड़ती है, जब भी टेरिस पे आती हूँ कपड़े लेने तो लाइट पहले चालू करती हूँ और फिर लेती हूँ कपड़े, तो लाइट चालू कर दी और अब यहाँ से ये कपड़े कलेक्ट कर लूँगी। और मैंने बोला था कि ढोकली बना के मैं है ना मैच देखूँगी लेकिन अभी तो मेरे कपड़ों का वर्क बाकी है, फोल्ड करने हैं, आयरन करने हैं, थोड़े से बर्तन भी है वो भी क्लीन करूँगी, तब तक मैच का कुछ पता नहीं पूरा भी हो जाए कि कैसा क्या रहेगा। वैसे कोई बात नहीं, किसु मुझे इन्फॉर्मेशन देती रहेगी क्योंकि किसु कंटिन्यू बैठी है टीवी के आगे और अभी आपने देखा भी होगा उसका थोड़ा सा मुंह भी उतर गया, उसको ऐसे लगता है कि इंडिया ने टारगेट कम दिया, लेकिन मैंने उसको समझा दिया कि जैसे मौसम बदलने में टाइम नहीं लगता इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, बच्चों को बहुत ही वो होता है कि क्या होगा। कपड़े ले लेती हूँ, अभी थोड़े बहुत गीले भी हैं, लेट सुखाए थे मैंने, 1:30-2 बजे सूखने डाले थे इसलिए। तो मैच तो अभी चालू है लेकिन डिनर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए मेरे लिए दाल ढोकली, नहीं वीडियो ले रही हो।
हाय कर हाय कर। अभी आए थे भाभी सा लोग, आपने लास्ट क्लिप में देखा ही होगा। जैसे हम लोग गए थे उस दिन रामा सामा करने के लिए दिवाली के, तो भाभी सा लोग आ जाए तो बस वो लोग थोड़ी दूर रुके और गए अभी जस्ट। और मैच का तो पता चल ही गया होगा सबको, मैं क्या ही बताऊँ। सुबह से चल रहा था बच्चों के मैच और वैसे इंडिया हार कर भी जीत ही गई है, क्योंकि मतलब फाइनल में पहुंचना और एक भी मैच हारे बिना ये भी बहुत ही बड़ी बात होती है। तो हमने भी आइसक्रीम पार्टी कर ली आज और अब भी मैं जा रही हूँ मंदिर इतनी रात को, मतलब 9:30 बज रहे हैं, 9:30-10 हो गए होंगे रात को, इसलिए क्योंकि आज है जलाराम बापा की जयंती, जन्म जयंती। तो वहाँ पे मंदिर में हम लोग सुबह से नहीं गए, वैसे मंदिर में अभी भी दर्शन हो ही रहे हैं और वहाँ पे डायरा, यहाँ पे जो डायरा बोला जाता है वो है, तो डायरे में मैं नहीं रुकने वाली। हम लोग दर्शन करके वापस आएंगे, किसी के पापा को जाना है तो उनके साथ, बच्चे तो पता ही है चलने वाले हैं नहीं, तो बस हम दोनों जा रहे हैं। तो बस मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ यहाँ से। अभी मैंने भाभी सा लोग को बाय किया था इसलिए दरवाज़ा खुला है, मच्छर भी आ गए बहुत अंदर। तो चलिए फटाफट से चलते हैं जलाराम बापा के मंदिर, और आज उनकी जन्म जयंती ना, तो मंदिर को बहुत ही अच्छा सजाया हुआ होगा और भीड़ भी होगी, देखते हैं कितनी क्या भीड़ है और कैसा डेकोरेशन किया हुआ है। आज आनंद आज उचरण राज सुने होंगे, आज सखी हमारे आंगले कंचन हो रहे होंगे दर वर्ष। तो हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए और दर्शन हमने कर लिए, लेकिन यहाँ पे जो डायरा होता है वो अभी लेट चालू होगा, वापस से घर के लिए जा रहे हैं अब। तो हम लोग निकल गए वापस से घर के लिए और इसी के साथ में आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही एंड तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।